हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप घर बैठे नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल पर आना है, जिसका URL है nbsp.in। तो सबसे पहले आपको nbsp.in इस वेबसाइट पर सबसे पहले आपको आ जाना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इनमें से अगर किसी भी सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। तो हम यहाँ पे नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, तो हमें जो है इस वेबसाइट पर सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो हम यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे जो है इस पेज पे चले आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लॉगिन पेज पे चले आएंगे। तो अगर आपके पास यूजर, अगर आपने पहले रजिस्टर किया है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप जो है इस वेबसाइट पर नए हैं और आपने अभी तक इस वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया है, तो आप जो है यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करके या जो है नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालकर सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपको जो है यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक जैसे करेंगे, आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, उसे आपको एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको उस OTP को डालकर सबमिट करना है। तो ये करने के बाद आपको नीचे आना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड है, तो आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल सकते हैं, या अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आई डोंट हैव एपिक नंबर पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पे इसके जगह पे अपना नाम डालकर और ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये सब डालकर सबसे पहले रजिस्टर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जब रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करते वक्त जो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, वो पासवर्ड जो है आप का इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि नीचे दिया गया है कि आपका जो आप जो पासवर्ड यहाँ पे देंगे, वो आप उसमें आपका कम से कम 6 कैरेक्टर होना चाहिए, और पासवर्ड में जो है कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और A से Z तक अपर केस में जो है कोई भी एक लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से आप यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फ्रेश इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। तो आप अगर नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फ्रेश इनरोलमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में सुधार या बदलाव करना चाहते हैं, तो आप नीचे वाले किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं। तो अभी हम नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फ्रेश इनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप इस पेज पे चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आप भारत में रहते हैं, तो आप यहाँ पे आई रिसाइड इन इंडिया पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप भारत से बाहर रहते हैं, तो आप यहाँ पे आई रिसाइड आउटसाइड इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको जो है अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे ये सब भर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे, इसके बाद आप जो है इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है 7 स्टेप में इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे आपको 7 स्टेप में इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहला स्टेप है जहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल भरना है, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डिटेल भरना है, इसके बाद आपको यहाँ पे असेंबली सेलेक्ट करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, और उसके बाद डिक्लेरेशन, और उसके बाद आपको प्रीव्यू। तो इन 7 स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे हम एड्रेस भरते हैं अपना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना हाउस नंबर लिखना है, और लोकेलिटी, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब हमें यहाँ पे भरना है। तो आप यहाँ पे जो भी भरेंगे या इसके सामने वाले बॉक्स में, इसका हिंदी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इन सबको पहले भर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सब कुछ भर लिया है। तो आप यहाँ पे जो भी भरेंगे, इसका यहाँ पे बगल वाले बॉक्स में यहाँ पे उसका हिंदी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे हिंदी में कोई गलत होता है, तो आप जो है यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन करके उसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है आप यहाँ से इस यहाँ पे आपका डिजिटल
फिल पूरा कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जो है आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे वो डेट आपको डालना है। तो हम यहाँ पे वो डेट डाल लेते हैं। फिर आपको नीचे एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप जो एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दीजिए। तो एड्रेस प्रूफ में आप जो है इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो है इनमें से आप ही कोई डॉक्यूमेंट आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो है अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे अभी राशन कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे राशन कार्ड सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे राशन कार्ड अपलोड कर दूँगा। इसके बाद आपको आपके फैमिली में अगर किसी के पास भी वोटर आई डी कार्ड है तो आप उसका जो है यहाँ पे IP नंबर डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप इस या आप जो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। एड्रेस डिटेल भरने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे तो यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डिटेल भरना है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको जो है बर्थ टाउन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको ये सब भरना है। इसके बाद आपको नीचे एज प्रूफ अपलोड करना होगा। तो एज प्रूफ जो आप अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए जिसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB होगा। तो ये आपको यहाँ से एज प्रूफ अपलोड करना है। तो एज प्रूफ में आप जो है इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो इसी में से कोई डॉक्यूमेंट आपको एज प्रूफ में अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद आप यहाँ पे हम ये सब पहले पूरा भर लेते हैं। तो ये सब भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे असेंबली सिलेक्ट करना है। तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे पहले उसी के अनुसार से यहाँ पे असेंबली लिस्ट आएगा। तो आप उनमें से जो भी आपका असेंबली है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम भरना है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। इसके बाद आप जो यहाँ पे नाम भरेंगे उसके बगल में यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ उसका हिंदी में फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सरनेम अगर कोई है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो नीचे आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आपको जो है यहाँ पे पेरेंट डिटेल भरना है। तो यहाँ पे आप जो है किसी का भी डिटेल भर सकते हैं या फादर मदर वाइफ या किसी का भी डिटेल यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये सब डिटेल भरते हैं। तो यहाँ पे अपने पिता का नाम या माता का नाम आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद नीचे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है जो कि JPG फॉर्मेट में होगा जिसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB होगा। तो ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे आपको किस टाइप का दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप जो इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं या अगर आप अदर में हैं तो आप जो है कोई अदर में अपना दिव्यांगता लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना नीचे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अगर आप चाहें तो यहाँ पे भर सकते हैं या आप इसे खाली छोड़कर नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे प्लेस में अपना जो है गांव या शहर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप आएगा जहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके पहले यहाँ पे फॉर्म जो है आपका प्रीव्यू होगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म यहाँ पे प्रीव्यू होगा लास्ट स्टेप में। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप अगर आपका सब डिटेल सही है तो आप जो है सबमिट कर दीजिए या आप यहाँ से जो है इस फॉर्म को जो भी आप भरे हैं उनके उसका जो यहाँ पे डिटेल आएगा उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो जब ये आपका पूरा मिला ले अगर आपका सही है तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए जिसके बाद आपका यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप जो है यहाँ पे ट्रैक में स्टेटस में जा करके आपने जो आप जब अप्लाई करेंगे तो उसका एक रेफरेंस नंबर आएगा वो रेफरेंस आईडी डालकर आप जो है ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड क्या प्रोसेस में है। तो इस तरह से जो आप नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं तो और जो आपके घर तक जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।